So we have to go by boat. हेलो तो मैं पहुंच गया हूं अलाप्पुझा। अगर आप गूगल पे देखते हैं तो वहां पे अलाप्पुझा दिखाता है, तो मैं वहां पहुंच गया हूं। एंड आई नो मेरा प्लान था मुन्नार जाने का, बट मुन्नार जा नहीं पाया बिकॉज वहां पे लैंडस्लाइड हो गया है कुछ रास्ते में, और वहां पे के लिए कोई बस भी नहीं मिली और ना ही कोई ट्रेन मिली। तो वहाँ पर बारिश ही बहुत हो रही थी, तो मैंने प्लान चेंज कर दिया। तो आई डायरेक्टली केम टू एलपी और सुबह सुबह मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल स्टे वेयर आई एम स्टेइंग। एंड मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, कायाकिंग, शिकारा एंड बोट राइड एंड बहुत कुछ। और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल लेक के सामने है, यू कैन कॉल इट लेक और बैक वाटर्स और वट एवर यू लाइक। So this property is like more than 100 years old. Yes. तो मैंने ये प्रॉपर्टी एक टेंट ग्राम करके एक क्या बोलते हैं, जैसे दोस्तल है उसी तरह का एक और वेबसाइट टाइप का है या कंपनी कह लीजिए, तो उसके थ्रू मैंने बुक किया है। और वो आपको इंस्टा पे भी मिल जाएंगे। और साउथ में काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रॉपर्टीज से टाई अप्स हैं उनके, तो साउथ के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और इस प्रॉपर्टी का मैं डायरेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप कभी आना चाहें तो डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक दिस प्रॉपर्टी, द वाइब इज रियली रियली गुड एंड द होस्ट इज सुपर कूल, सुपर सपोर्टिव एंड सुपर चिल गाय। तो आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बस अभी जल्दी से रेडी होके हम निकलेंगे बोट राइड या विलेज टूर के लिए, एंड लेट्स सी कैसा रहता है। तो मैंने अपने होस्ट को बोल के अपने लिए बुक कराई एक शिकारा, और इस शिकारा का मैंने पे किया 800 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स। हमारे होस्ट के फ्रेंड की शिकारा थी तो हमें सही रेट पे मिल गई, और पूरी बोट पे मैं अकेला था बिकॉज मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, तो पूरे सफ़र का मैंने अकेले ही मज़े लिया। और अगर आप ज़्यादा लोग भी हैं तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हाउस बोट भी बुक कर सकते हैं। हाउस बोट का ऐसे रहता है कि सुबह का स्लॉट मिलता है आपको और आपको शाम का स्लॉट मिलता है ओवरनाइट का, तो डिपेंडिंग ऑन योर मूड और आपका क्या प्रेफरेंस है उस पर आप बुक कर सकते हैं। और उसका प्राइस रेंज रहता है लगभग 4000 to 5000, वो आप बुक कर सकते हैं। सारे नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्टली बुक करना चाहें तो डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। So it's 6 AM in the morning and we are ready for our kayaking. We'll do our kayaking and I'm a little afraid of this water. Let's hope everything goes by plan. जेपी അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ അക്കരെ പോവാ जेपी നീ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോരെ जेपी जेपी तिरिच्चु वा बढ़िया का ही वीडियो निकालता है। So this is LP Beach। तो मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 6 बजे और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, तो आई हैव इनफ टाइम। कितना खाली बीच है। I could have spent more time here, but it's okay. दिस इज अ नेवी शिप। इस पे तो गन भी लगा हुआ है। ये एक्चुअली खराब हो गई थी तो नेवी ने यहीं पे इसको छोड़ दिया लोगों के देखने के लिए। Actually, this beach is famous for its high waves. सो एलपी इज़ अ वेरी गुड प्लेस। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बैक वाटर्स भी हैं, बीचेस भी हैं, हाउस बोट भी है, एंड आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आई रियली लाइक दिस प्लेस। अगर आप केरला में हैं, इट्स अ मस्ट एक्सप्लोर प्लेस। 1 या 2 दिन भी आएंगे तो चल जाएगा, बिकॉज आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उससे। यहाँ की बीचेस ही पूरी खाली हैं, पूरी खाली हैं। मतलब रेयरली यू कैन सी द पीपल। रेयरली आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे इधर, बहुत कम लोग हैं। और बहुत शांत और साफ बीच है। एंड इफ यू आर इन केरला यू मस्ट विजिट एलपी। एंड लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत स्वीट हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। जहाँ जहाँ भी आपको मदद चाहिए होगी वो दे विल हेल्प यू। एंड अभी जिस मैं उससे पेरी से आया हूँ उसने मुझे 1 आवर 45 मिनट में एलपी छोड़ दिया अपने स्टे के। यहाँ से स्टे मेरा 13 किलोमीटर दूर था। एंड वन मोर थिंग, मैं फेरी से आया हूँ। फेरी का चार्ज था ओनली 17 रुपीज़, 17 रुपीज़। और अगर मैं ऑटो लेता अपना रिवर क्रॉस करके, जैसे मैं ट्रेन से आया था तो मैंने ऑटो का फेयर 450 रुपीज़ दिया था फॉर 13 किलोमीटर्स। एंड अभी आते वक्त ओनली 17 रुपीज़, सिर्फ 17 रुपये लगे। और वापस में ऑटो से आता है तब भी 450 रुपये लगते। तो टाइम ज़्यादा लगा बट अच्छा एक्सपीरियंस था, पैसे बहुत कम लगे। सो दिस इज़ नाइस। सो आई एम एट एलपी बस स्टैंड। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट की बस मिल गई है एंड ये एसी बस है, तो होपफुली मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में और मुझे 6 बजे तक पहुँचना है, तो मैं 5 बजे तक मैक्स पहुँच जाऊँगा। एंड इसका फेयर अभी टिकट मिला नहीं है मुझे, तो फेयर नहीं पता, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आई विल मेंशन इट एंड दैट्स ऑल। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती एयरपोर्ट की एलपी बस स्टैंड से, तो आप वाइडला की बस ले सकते हैं। वाइडला जगह है कोची में और वहाँ उतर के आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है एयरपोर्ट के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड ये बस 2 बजे निकलती है एलपी बस स्टैंड से, तो आप टाइम के हिसाब से कर सकते हैं मैनेज। बाकी बसेस का मुझे टाइम नहीं पता, ये लकीली मुझे मिल गई, मुझे टाइम नहीं पता था। बट मैंने पूछा ड्राइवर से, तो 2:10 या 2 बजे निकल जाती है मैक्स, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। मेरे एलपी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और मुझे बहुत मज़ा आया एलपी घूम के। एक्चुअली केरला में और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मैं पहुंच गया हूं अपने टर्मिनल पे T1। यहाँ 3 टर्मिनल है, T3, T2, T1। तो दिस इज माय टर्मिनल। क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, वेरी नाइस। तो चलते हैं, चल के अंदर। एयरपोर्ट काफ़ी खाली है, डोमेस्टिक है ये इसलिए खाली है यहाँ पे।